हाय गणिसा, मैं खुशी जेकर, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी मैं इतना रेडी क्यों हुई, आप सब सोचेंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज मेरा है परमिशन वीडियो, वो है थेवा ज्वेलरी का। अब वो कहाँ से रिसीव हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी मैंने पोशाक पहन ली है और थोड़ा सा मेकअप कर लिया मैंने। तो मेकअप किसने किया मैं वो भी थोड़ा आपको आगे बता दूंगी। पहले मैं बता देती हूँ आपको ज्वेलरी के बारे में। और बहुत ही यूनिक सा कलेक्शन होता है, वो होता है थेवा ज्वेलरी। और एकदम मतलब प्योर चीज होती है जो होती है, मतलब उसमें है ना 23 कैरेट गोल्ड होता है ग्लास के ऊपर। अब वो डिजाइन जो होती है वो होती है ग्लास के ऊपर, और इसके बैक साइड में होती है सिल्वर 92.5। तो मैं बता देती हूँ बहुत ही प्यारा कलेक्शन है बहुत ही। और मुझे कहाँ से रिसीव हुई है चलो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है सोन कास्ट जयपुर से वैशाली नगर में। तो बहुत ही प्यारा कलेक्शन इनके पास में, और भी बहुत अलग अलग आपको वेराइटीज इनके पास मिल जाएगी सेट्स वगैरह में, हसली पैटर्न में, बाजू में। तो अभी जो मुझे मिला है वो मैं आपको सारे कलेक्शन दिखा देती हूँ। और अगर कोई जयपुर से है तो वो आप यहाँ इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर जोधपुर में किसी को ये ज्वेलरी चाहिए या और भी मेरे कोई क्लाइंट्स को चाहिए तो आप वो मुझे मतलब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली ज्वेलरी अब मेरे पास भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। क्योंकि वो सोन कांच वाले का अभी सेकंड ब्रांच मेरे पास होगा, तो आप मेरे पास से भी ये ज्वेलरी कलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारा कलेक्शन है, तो आप देख सकते हैं इसका, मैंने बता दिया सोन कांच नाम से है इनका शोरूम। तो चलो अभी मैं बता देती हूँ आपको ज्वेलरी। मैं एड्रेस आपको दिखा देती हूँ और इंस्टाग्राम आईडी भी इसमें साथ में मेंशन है, और पूरा एड्रेस आप देख सकते हैं। और इसमें देखो ये मेंशन हो रखा है साथ में 23 कैरेट गोल्ड, और ये इनका एड्रेस है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ज्वेलरी। तो पहले ज्वेलरी बता देती हूँ, फिर मैं वियर करके बताती हूँ। तो ये है हसली सेट, अब आप देख सकते हैं इसको पास में से, ये जो है ग्लास के ऊपर गोल्ड वर्क हो रखा है और बहुत ही प्यारा सा है मतलब। तो ये है हसली सेट, और भी सारे ज्वेलरी है, मैं एक एक करके आपको एक बार सारा बता दूं, फिर आप मेरा पूरा रेडी लुक देख सकते। तो ये है नथ, उसके बाद ये वाला है रखड़ी और सिर्फ फूल का सेट, उसके बाद हैं ये वाले बाजू और पौंछी, बहुत ही प्यारी पौंछी है इसके अंदर। तो ये वाली है पौंछी, बाजू और ये वाले हथफूल। तो ये वाली है मतलब ज्वेलरी थेवा में। अभी मैं इसको वेयर कर लेती हूँ, फिर आप मेरा लुक देखना। जिस किसी को भी ऑर्डर करना है तो आप, मैं सोन का चाइडी पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर जोधपुर में किसी को चाहिए या कहीं अदर मतलब सिटी से चाहिए तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी ज्वेलरी एंड और भी वेराइटीज आपको इसके साथ में मिल जाएगी मेरे बुटीक पर। मंडोर गार्डन की भी और कोई लोकेशन पास में थी नहीं, और थोड़ा जल्दी भी थी क्योंकि बुटीक पे काम भी ज़्यादा है। तो मतलब मैंने फाइनली लुक बताने के लिए, अभी तो वैसे मेरा पूरा वीडियो आएगा इसका पूरा प्रॉपर मैंने शूट किया है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पर ये जो है वो मैंने थोड़ा सा टिप्स लिया है मतलब इसका ब्लॉग के लिए। तो ये मेरा फाइनली लुक है, ज्वेलरी मैंने पूरी पहन ली है और बाजू है तो भी इतने प्यारे लग रहे हैं ना इसका लुक वाइज। ये देखो ज्वेलरी भी हैवी, पोशाक भी हैवी हो गई, तो मैं से ओढ़ने भी नहीं संभल रही। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे करती हूँ बात। सो हो चुका है मेरा शूट, और अभी जा रही हूँ मैं घर पे। फाइनली कर लिया, मैंने बहुत टाइम लगता है शूट करने में।
थी तो मैंने खोल दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट था इसका। तो अभी जा रही हूँ मैं वापस बुटीक पे, और मैंने पूरी ज्वेलरी खोल दी क्योंकि इतना हैवी था ना, मतलब सारा उसका ज्वेलरी का वेट बहुत ज़्यादा था, तो कान वान दर्द होने लग गए थे। और अभी मैं जा रही हूँ बुटीक पे, तो अभी मैं व्लॉग को करती हूँ एंड, क्योंकि ये मैंने मतलब मिनी व्लॉग बनाया था कि छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं पूरा व्लॉग तो नहीं बना पाती क्योंकि क्या मतलब बुटीक पे काम कर रहे वो तो क्या ही दिखाऊं मैं आपको। तो मैंने सोचा पूरा रेडी हो जाती हूँ उसके बाद ही थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर दूँ, और उसके बारे में ज्वेलरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो आप वहाँ पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर जोधपुर में किसी को लेना है तो मेरे बुटीक से भी आप ले सकते हैं, बट अभी नहीं, आप सेप्टेम्बर से मैं वो काम स्टार्ट करूँगी थेवा ज्वेलरी का, तो आप उसके बाद मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपको लेना है तो आप सोनकाज आईडी पे जाके आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और जितना मतलब जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि देखो जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है थेवा ज्वेलरी, वैसे आप लोगों को भी क्या पता पसंद हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, मैंने एक एक चीज़ अच्छे से बताई है। और ऐसे मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी रील्स भी बहुत सारी आएगी, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ करती हूँ व्लॉग को एंड, क्योंकि आ चुका है मेरा बुटीक और मैं अभी जा रही हूँ कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो बाय बाय।